स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते। मैं हाँ भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है एक इदा की खबर की जिड़ी कि बिल्कुल ही मजाक बन गई हैगी। बीजेपी के एक आगू तमिलनाडु तो लोकल बॉडी इलैक्शन लड़ रहे थे और उन्होंने मिली है एक वोट। उन्होंने नाम हैगा डी कार्तिक नूं जिहड़ी एक वोट मिली हैगी। मैनूं लगता कि ये एक वोट काफ़ी है ये दसण दे लई कि बीजेपी दे इंडिया दे विच भारत विच हालात किदां दे हैगे ने, पर बावजूद इहदे कि बीजेपी दी सरकार केंद्र दी सरकार वो इस गल नूं समझण लई तैयार होएगी कि साडे हालात किदां दे ने, लोक सानू किस नज़र दे नाल देखदे ने, लोक सानू पसंद करदे ने जां नहीं, कि केवल भारतीय मीडिया नूं अपनी जेब दे विच पा के और उस मीडिया दे कोलों आपदी मनमर्जी दी बोली बुलवा के तुसी राज कर सकते हो, किन्ना क चिर तुसी राज कर सकते हो। वोटां ते लोकां ने ही पाउणियां ने तुहानू। और किड्डी हैरानी दी गल हैगी कि जिहड़ा ये बीजेपी आगू हैगा तमिलनाडु तो डी कार्तिक, इस दे परिवार दे पंज मैंबर ने और उन्हां पंज मैंबरां ने वोट ही नहीं पाई हैगी, केवल एक अपनी वोट जिहड़ी हैगी आ उही पई हैगी आ, बाकी चार मैंबर उन्होंने वोट नहीं पाई। क्यों नहीं पाई? कि लगता नहीं कि वह परिवार के मैंबर भी इस गल नूं भली भांत समझते हैं वे भाई आपां तुहानूं वोट नहीं पाउणी, सानूं तुहाडियां नीतियां सानूं तुहाडे काम करन दे तौर तरीके साडा तुहानूं लोकां नूं तंग परेशान किया जाणा और भारत दीआं घट गिणती कौमां नूं परेशान किया जाणा, जिहड़े ये काले कानून धक्के नाल किसानां दे उपर थोप दिते गए ने ये सानूं पसंद नहीं हैगा, इस करके असीं तुहानूं वोट नहीं पाउणी। की इहदा मतलब ये ना कढ़िया जावे, वरना वो चार जने अपने ही परिवार के मैंबर नूं वोट भला क्यों ना पाउंदे। और ये जिहड़ी गल आ मैनूं लगदा कि एक वोट जिहड़ी मिली हैगी आ ये दसण दे लई भी काफ़ी है कि परिवार के उन्हां बाकी चार जीआं ने हो सकदा पहला बहुत रोकिया होवे कि भलिया तू ए वाले इलैक्शन ना लड़, हो सकदा उन्होंने ये भी आख्या होवे कि बीजेपी विच शामिल ही ना हो, जां बीजेपी विच जे तू शामिल हैगा ही है तो तू बीजेपी छड़ के ते बाहर आ जा, घर बह जा चुप करके, हो सकता मतलब उन्हां दा चार मैंबरां दा अपने ही परिवार के इस मैंबर के हक के ना भुगतना काफ़ी कुछ दर्शाता हैगा। एक ट्वीट बहुत ज़्यादा ट्वीट किए ने लोगों ने सोशल मीडिया के उपर, इस गल का मजाक ही बन के रह गया है एक वोट। और मैं इस करके गल कर रहा है एक वोट काफ़ी है बहुत कुछ दसण दे लई। तुसीं भी कमेंट बॉक्स के जाके जरूर कमेंट करो कि तुहाडे मुताबिक ये जिहड़ी एक वोट मिली है, केवल एक वोट मिली है, की साबित करती है, जरूर कमेंट करो। तुसीं भी एक कमेंट किया है, डॉक्टर मीना जी हैगे ने वो मैं तुहानूं जरूर पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उन्होंने ट्वीट किया है, हाँ उन्होंने कहना है कि बीजेपी कैंडीडेट्स गैट्स ओनली वन वोट इन लोकल बॉडी इलैक्शनस, प्राउड ऑफ द फोर अदर वोटर्स इन हिज हाउस होल्ड हू डिसाइडेड टू वोट फॉर अदरस। उन्होंने कहना है कि सानू माण है परिवार के उन्होंने चार जिया के उपर, इन्हों परिवार के होर चार जिया के उपर जिन्ह ने अपनी वोट का इस्तेमाल अपने ही परिवार के इस मैंबर ना करके तो होर हक के उन्होंने वोट पाई है। उन्होंने कहना है कि डॉक्टर साहब का कि मैनू के माण है मैनू उन्होंने परिवार के बाकी चार जिया के उपर। हुण आपां अगली गल करते हैं, ये तो होगी मजाक वाली गल। की तुहानूं लगता है कि केंद्र की सरकार अपनियां नीतियां दे उपर गौ करूंगी? केंद्र की सरकार ने जिहड़ियां रणनीतियां घड़ियां होईयां ने, जिहड़े टीचे मिथे हुए ने, जिहड़े निशाने मिथे हुए ने कि असी मुल्क नूं आ बनाउणा, असी मुल्क नूं इधर नूं लैके जाणा, असी भारत दीआं घट गिणती कौमां दे नाल जां असी देश दे होर लोकां दे नाल इदां दा सलूक करना हैगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे, एक झंडा होगा, एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगी। की लगता तुहानूं कि वह अपनियां इन्हां गल्लां दे उपर पुनर्विचार करनगे, मुड़ विचार करनगे कि साडे वास्ते ये ठीक नहीं हैगा? देश के लोग दस रहे ने, बड़ी गिणती विच किसान सड़कां दे उपर पिछले एक वरे तो उतरे हुए ने, बहुत कुछ दस रहे ने, बहुत कुछ साबित कर रहे हैं, पर किन्ना कु चिर आखिर ये मीडिया के सहारे अपना राज कायम रखणगे? की लगता तुहानूं कि ये विचार करनगे कि असी अपनियां नीतियां नूं बदल लईए, जां असी अपने जिहड़े निशाने मिथे होए आ असी उन्हां निशानियां नूं बदल दईए? मैनूं नहीं लगता हैगा कि ये इंज करनगे। उहदी वजह यह हैगी आ क्योंकि तुसीं देखो जिन्हां दे हत्थ विच सत्ता हुंदी है और जिन्हां ने कई सौ वरे कई हज़ारां वरे जिन्हां ने गुलामी हंडाई होवे और उन्हां नूं जदों किसी दीआं कुरबानियां दी बदौलत आज़ादी मिल जाए, सत्ता उन्हां दे हाथ विच आ जाए, तो वह इन्ना सौखा छड़दे नहीं हुंदे अपने टीचे या अपनियां कुर्सियां नहीं छड़दे हुंदे उह, क्योंकि लंबा समा गुलामी हंडाई हुंदी है, सो एक आदत जी बन गई हुंदी है गुलाम रहण दी। और फिर जिन्हां ने लंबा समा गुलामी हंडाई हुंदी है
और उनका सभ्याचार उनका कल्चर जिस हिसाब का होंदा हैगा उनकी परवरिश जिस तरीके होंदी है सो उन्होंने अंदर ये गल वड़ जाती हैगी भी आप जो कुछ असी अपने पिंड के उपर झलिया उ कुछ असी होर लोगों के उपर भी करना हैगा असी उन्होंने गुलाम बना के रखना असी लोगों की सभ्यता खोलनी है असी उन्होंने बोली खोलनी हैगी असी उन्होंने किदा अपनी लत दे हेठां रखना हैगा सो अज तो सत्ता उन्होंने हाथ में हैगी केंद्र दे विच सरकार उन्हां दी हैगी आ और तुसीं देखो होर तां होर सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ बेच दिता और सूबियां दीआं जिहड़ियां सरकारां ने सूबा सरकारां दे कोलों उन्होंने अख्तियार जिहड़े उन्हां नूं हक मिले सके माड़े मोटे जो भी सके अपने फैसले करन दे काफ़ी हद तक उन्होंने सारा कुछ अपने हत्थां विच लै लिया हैगा जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 हटा के जिहड़ा वध अधिकारां वाला सूबा सीगा जम्मू कश्मीर वह उन्होंने उस स्टेट दे कोलों खोलिया सारा कुछ हो के उन्होंने अपने कंट्रोल दे विच कर लिया सारी इकोनोमी उन्होंने हाथ में हैगी जिदा की भी हैगी जिनी भी हैगी होर जिहड़े मुल्क हैगे ने पूरे विश्व के उन्होंने नाल तालमेल उन्होंने नाल व्यापार उन्होंने नाल जिहड़े व्यापारक फैसले जां संबंध सारा कुछ जो भी करना हैगा वह तय करते हैं सो जो सारा कुछ उन्होंने कंट्रोल दे विच हैगा फौज उन्होंने कोल हैगी मीडिया उन्होंने हाथ में हैगा सब कुछ जो उन्होंने हाथ में होगा हैगा तो वह फिर इन्ना सौखा नहीं छड़नगे तुसीं देखो किसान संघर्ष कर रहे हैं और किसानों के संघर्ष के दौरान फिर भी बड़का मारते हैं वो कहते किसानों सुधर जाओ वरना 2 मिनट लगाएंगे हम आपको सुधार देंगे और जड़ा बापू हैगा ये धमकी दिंदा हैगा बीजेपी का और उहदा गां जड़ा पुत्र हैगा अपने बापू की इस धमकी नूं फिर उन्हूं अमली जामा पहनाउंदिया होया किसानां नूं अपनी गड्डी दे हेठां दरड़ दिंदा हैगा सो वह अपनी गुंडागर्दी वह अपना अतवाद जिहड़ा हैगा वह सिखरां दे उपर लै गए ने और मैनूं लगता कि होर उपर तक वह उन्हूं लैके जाणगे हुण तुसीं देखो उन्हां दा जिहड़ा अगला हुण कदी जम्मू कश्मीर दे विच धारा 370 रखे हट जाएगी तो फिर सारा कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा वहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ हो रही है वो कंट्रोल में आ जाएंगी हम ये कर देंगे हम सब कुछ ठीक कर देंगे की ठीक होया जी कुछ भी ठीक तो नहीं होया हैगा उस तो बाद धारा 370 हटाए जाने तो बाद भी उत्थे किदां दीआं घटनावां वापरियां ने किन्नियां ज़्यादा घटनावां वापर चुकियां ने पिछले कुछ दिनों दे विच ही किन्नियां घटनावां एक स्कूल दी मुख्य अध्यापका उन्हां दा कतलेआम उन्हां नूं गोलियां मार के मारिया जांदा हैगा उसे ही स्कूल दे एक टीचर हैगे ने पंडित जी हैगे ने उह पंडित उन्हां नूं मारिया जांदा हैगा कौन मारदा हैगा हुण इह तां अपने मीडिया दे कोलों इह कहाउंदे हैगे कि जिहड़े उत्थों दे लोक हैगे ने उह सिखां अते हिंदुआं नूं निशाना बना रहे आ जम्मू ते कश्मीर दे जिहड़े कट्टड़पंथी हैगे ने जिहड़े उग्रवादी टाइप लोग हैगे आ जिहड़े होर जिहड़े गुआंढी सूबे हैगे आ गुआंढी मुल्क आ उन्हां दी शह दे उपर जिहड़े अतवाद फैलाउंदे हो गए हैगे आ सो वह जड़े सिख तो हिंदुओं मार रहे हैं सो इस तरीके का प्रोपेगेंडा जोड़ा है वह किया जा रहा है ये किन्ना क चिर चलूँगा पर मैं लगता हले काफ़ी चिर चलूँगा क्योंकि सारा कुछ तो उन्होंने कंट्रोल दे हैगा उन्होंने कोल हैगा सो इन्ना सौखा वह हार मनण वाले नहीं है भावें कि जी एक वोट पई हुई आ इस कैंडीडेट न यह पई हुई एक वोट बहुत कुछ साबित करती है बहुत कुछ साबित करती है 2022 के इलैक्शन पंजाब दे विच भी होने हैं हर सारे आसे पासे होर सूबियां दे विच हुण 2024 दी इलैक्शन होने हैं तुसीं देखो सोशल मीडिया ते आम लोग भी इस गल की चर्चा कर रहे हैं आम लोग भी किन्ने ज़्यादा समझदार और किन्ने ज़्यादा सियाने हो गए हैं सोशल मीडिया की बदौलत एक दूजे दे नाल विचारां दा आदान प्रदान हुंदा हैगा लोग बड़ी तीखण बुद्धि दे नाल इन्हां लोकां नूं वाच रहे हैं सरकारां दीआं नीतियां इन्हां दे काम कार करन दे तौर तरीके इन्हां वल्लों लए जांदे फैसले इन्हां वल्लों विदेशी दौरे विदेशों के जाके किस तरीके गल्लां बातां करदे ने अफगानिस्तान के जिहड़ियां घटनावां वापरदियां ने उत्थे जाके अपनी लत किस तरीके अड़ाउंदे ने और किवें भारत के ही वसण वालियां घट गिणती कौमां उन्हां नूं आपस में उन्हां दे मनां दे विच एक दूजे प्रति नफरत पैदा करन वालियां जिहड़ियां इन्हां दीआं चालियां चालां ने उन्हां तों बाखूबी वाकफ हो रहे ने उह लोकां नूं पता लग रहा हैगा भी इह लोक कर की रहे हैगे ने पर बावजूद इहदे इह एक वोट जिहड़ी आ बहुत कुछ साबित करदी आ बहुत कुछ साबित करदी है पर गल तां हुण इह आ वी की इह लोक सचमुच देश का भला चाहते ने सचमुच ये अपने मुल्क के लोगों का भला चाहते ने हुण देश बहुत सारे लोग ये गल कहते हैं कि देश जिदा हुण आपां सिखां दी गल करते हैं भारत में सिख कौम पूरे पंजाब दे विच जां जिहड़े सज्जण विदेशों में भी बैठे ने सिख वह चाहते हैं कि साडी अपनी धरती के उपर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी वाला राज असी मुड़ वेखना चाहते हैं सो कल्ले पंजाब की ही गल नहीं हैगी पंजाब तो इलावा भारत दियां होर अड अड स्टेटां दे विच भी उत्थों दे लोग वह भी आज़ादी चाहते हैगे आ
वह भी आजाद फिजा के सह लेना चाहते हैं। उन्होंने भी लगता है कि साडा दम घुट रहा है केंद्र की सरकार वालों भारत के वालों भारतीय सरकार वालों भावें किसी भी पार्टी की सरकार हो जो फैसले ले जाते हैं भी वह साढ़े विरुद्ध ही भुगतते हैं फैसले। असी पिछले 74-75 वरिया किसी भी किस्म का कोई आज़ादी का निग नहीं माण सके हैं। सो वह सारे चाहते हैं इदा के हालातों में बहुत सारे बुद्धिजीवी अक्सर इदा दलां भी करते हैं कि जोड़े लोग संघर्ष कर रहे हैं आज़ादी के वास्ते, जे वो लोग आज़ादी के वास्ते संघर्ष ना भी कर, मैं बेनती करा बहुत सारे लोग इदा दल कहें भी जे संघर्ष करने वाले आज़ादी वास्ते संघर्ष ना भी कर, है ना, तो देश के जोड़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन वालों पिछले 7 वरे जिस तरीके लंघाए गए ने, जिस तरीके के फैसले लाए जा रहे हैं केंद्र की सरकार वालों, इन्होंने आप ही इन्होंने ही वजह बन जाना है इस मुल्क नूं तोड़न दी। घट्टो घट 13 टुकड़े इन्होंने कर देने हैगे मुल्क दे। सो इन्हां दीआं इह नीतियां ने। सो जिहड़ा इह दूजियां दे उपर दोष मढ़दे ने कि फलाने ने देश फलाना देश को तोड़ना चाहता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर उहदी वजह कौन है? जे लोग इदां चाहुंदे है तां उहदी वजह कौन है? उहदी वजह इह लोग ही क्यों नहीं हैगे जिहड़े केंद्र दे विच सत्ता दे उपर बैठे हुए ने, जिहड़ा थिंक टैंक नीतियां घड़दा हैगा केंद्र की हुकूमत, जड़ियां एजेंसियां इस मुल्क नूं चलाउंदियां ने, वह जिम्मेवार भला क्यों नहीं है? आम जिहड़े लोग है वह की सोचते हैं? आम लोग एक वोट पाउंदे ने बीजेपी नूं, एक वोट पा के वह दसदे ने, एक मूँह दे उपर तमाचा मारदे ने, एक थप्पड़ मार के दसदे ने कि तुहाडी साडी नज़र दे विच तुहाडी औकात केवल तो केवल एक वोट की है। अगली गल मैं करके समाप्ति करदा हुण इदों अगे जा के। वैसे तो मैं जिदा पहला कह के हटिया बहुत सारे लोग यह भी गल कहते हैं कि हो सकता 2024 दे ये इलैक्शन ही ना करवाउण इन्हां वल्लों माहौल, क्योंकि सारा कुछ इन्हां दे कंट्रोल दे विच हैगा, कदी उधर पंगा पवाता, कदी उधर पंगा पवाता, कदी उधर किसी नूं किसी दे नाल लड़ाता, कदी इधर किसी नूं किसी दे नाल लड़ाता। सो इस तरीके दे नाल माहौल क्रिएट करके, क्योंकि उन्हां दे कोल सब कुछ हैगा, उन्हां दे कंट्रोल दे विच हैगा, इस किस्म दा माहौल पैदा करके हो सकदा 2024 दे इलैक्शन ही ये ना होण देण। एक गल, दूजी गल ईवीएम मशीन, मैं बेनती करा ईवीएम मशीन दे बारे भी वड्डी गिणती विच इह गल आखी जांदी है कि ईवीएम मशीन दे राहीं घपला करके ये वोटां अपने हक दे विच भुगता लैंदे ने, वरना जो हालात ने बीजेपी दे इस भारत दे विच अज वो ते बिल्कुल साफ बयानबाजी बयान करदे आ भई लोकां दे विच इन्हां दा आधार किन्ना क हैगा। एक वोट इस बीजेपी आगू नूं पई होई बहुत कुछ साबित करदी है। कुछ गल्ला मैं दर्शकों साझियां कीतियां ते की साबित करदी है एक वोट पई होई। तुसीं भी जरूर कमेंट बॉक्स दे विच जाके कमेंट करियो कि तुहानू की लगता है कि बीजेपी तमिलनाडु दे इस बीजेपी आगू नूं पई होई एक वोट तुहाडे मुताबक होर की साबित करदी है, जरूर कमेंट करके दस्सियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।